21 नंबर जिला परिषद के लिए जो अभी गर्मा गर्मी है पूरे क्षेत्र में, मुझे लगता है बरौनी प्रखंड में 21 नंबर जिला परिषद ऐसा क्षेत्र है जहां पर सत्ता कितना मायने करता है ये आपको पता चलेगा। हमारे बीच ऐसे शख्सियत है, लोग लगातार इस बार पांचवी बार वो खड़े हैं लेकिन हार नहीं माने हैं। पांचवी बार बहुत मायने करता है लेकिन क्यों खड़े हैं, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि बहुत मुश्किल दौर है इस समय में, लेकिन ये जो पांचवी बार खड़े हुए हैं तो क्या बदलाव लाएंगे, क्यों खड़े हुए हैं, ये हिम्मत करते। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, आप इस बार पांचवी बार खड़े हो रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि लोग हिम्मत तोड़ देते हैं खड़े होने के बाद, लेकिन इस बार पांचवी बार खड़े हो रहे हैं, क्यों सर लगातार, और ऐसा आपके अगेंस्ट में ऐसे लोग हैं जिनको हराना आपके क्षमता पे है और आप हार नहीं मान रहे, आपके बारे में हमने बहुत सुना था सर, पांचवी बार क्यों? हाँ धन्यवाद, हम पांचवी बार लड़ रहे हैं कि और छठी बार सातवीं बार लड़ते रहेंगे। अच्छा, और जनता भी हमारा साथ दे रही है। हाँ। हमारे क्षेत्र के जनता हमको साथ दे रही है। अच्छा। और वो झूठा वादा करके कुछ कह के कुछ कह के और कुछ दलालों के बीच में पैसा बांट के जीत जाते हैं, फिर भी जनता हमको पूरी तरह से जनता साथ दे रही है और हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। और इस बार जनता सब कुछ समझ चुकी है, बहुत कुछ उनके लोभ में आए, बहुत बात हुआ, बहुत कुछ बोले, इस बार जनता पूरी तरह समझ चुकी है। इस वक्त का माहौल ऐसा माहौल है जो हम अपनी ज़िंदगी में कोई इलेक्शन में हम नहीं देखा, ऐसा माहौल। कैसा माहौल है? ऐसा माहौल है जैसे नायक फिल्म में देखे थे, अनिल कपूर जो मुख्यमंत्री बना था, उस तरह का माहौल है हमारे क्षेत्र में, आप जाकर देख सकते हैं। अनिल कपूर आप हैं? जनता पूरे जनता मूड बना चुकी है, इस बार जनता आउट कर देगी रतन सिंह को। आप अनिल कपूर हैं? हम अनिल कपूर ही जैसा बना दिया जनता ने। अच्छा। हमको वैसा ही बना दिया जनता। 55 वोट से आ रहे थे, कैसा लगा था उस समय? उसमें तकलीफ हुआ था और हमारे जनता लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ था, तो हमको ये उम्मीद था कि एक दिन हम जीतेंगे ही जीतेंगे और हम सेवा करेंगे, सेवा कर रहे हैं। हम वो जीत के कुछ नहीं किया, हम हार के भी बहुत सेवा किए हैं। मैं अपना पैसा, अपना सब कुछ, अपना धन जमीन बेच के भी हम जनता में खर्च किए हैं और हम करते रहेंगे। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है क्षेत्र में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर बार बढ़िया ही रहा है। अच्छा, बुझे ना, हर बार बढ़िया ही रहा है। ये बेड लक है जो हम हार गए। हमने सुना कि आपने कोरोना काल में बहुत मदद भी की लोगों। हाँ, हम तीन तो परिवार का 3 महीना तक खाना पीना तो लेकर साबुन सरफ तक का इंतजाम किया। अच्छा। और हर साल हम कम्बल बांटते हैं, कम्बल 50 रुपया वाला 100 वाला कम्बल नहीं बांटते हैं, 1000 रुपया वाला कम्बल बांटते हैं, 1000 कम्बल बांटते हैं हर साल। हर साल ठंडा में 1000 कम्बल बांटते हैं, अच्छा कमल बांटते हैं। क्या लगता है जनता को, जो आपने सेवा दिया है तो उस सेवा का जो कर्ज है आपको इस बार वोट बैंक में बदलेगा? कर्ज थोड़े, जनता आपको विश्वास करके वोट दे रही है। जब हम जीत के जाएंगे 5 साल बाद अच्छा करके जाएंगे तब हम हाथ मांगेंगे। अभी तो जनता हम पर विश्वास कर रही है, इस बार पूरा जनता ही विश्वास कर लिया है मेरे साथ। मेरे इलेक्शन में कभी न कोई धर्म हुआ है, न जाति हुआ, नहीं हुआ है। हमको हिंदू भाई बहुत मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सब मानते हैं हमको। और मेरे कोई कोई जात पात या कुछ चीज़ का कभी कोई फर्क रहा ही नहीं, महसूस नहीं हुआ। हमारा सौरी पंचायत चारों इलेक्शन जिताया, 75% हिंदू भाई हैं, लेकिन सब दिन हमको जिताया, मानते हैं हमको, सब मानते हैं हमको, हिंदू मानते हैं, मुसलमान सब मानते हैं हमको, है ना। और जनता बहुत कुछ समझ चुकी है, समझ चुकी है, इनका दिन लद गया है, इनका अब आखिरी इलेक्शन होगा, फिर आने का हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो इस बार क्या लगता है, रुखसाना खातून के नेतृत्व में आप इस बार आगे आएंगे? हाँ। कौन सा छाप लेके आगे आए हैं? हम आटा चक्की है। तो इस बार आप आटा चक्की को यूज़ करके जित सबकी चक्की पे, विरोधियों की चक्की पे सेंध लगाएंगे? हाँ, बोले इस चक्की को सबको घर के मुंह, सबके मुंह पर है आटा चक्की, आटा चक्की। हर औरत मर्द हर का जहाँ लेट में पहुँचे हैं, कितनी बहनें रोने लगी कि भाई हम चिंता का आपका छाप अभी तक नहीं, आप आए नहीं, हम मेरे लिए रोजा रहती है, मुस्लिम औरत रोजा आती है, हिंदू महिला हमारे लिए पूजा मानती है कि चांद जीते तो हम पूजा करेंगे। हमको देख के बहुत परेशान रहती है कि जीत जाए इस तरह। हमसे ज़्यादा जज्बा उन लोगों को है, और गरीब में तो बहुत ज़्यादा हम हीरो हैं। जो गरीब का वोट एक बार वोट को बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता, बीजेपी वोटर है। गिरिराज सिंह भी आ जाएंगे तो एक वोट को कम नहीं कर सकते हैं। जो बीजेपी कट्टर बीजेपी है उस सब वोट हमको देते हैं, चांद के नाम पर देते हैं, हमको जानते हैं, पहचानते हैं, उस वोट को कोई बदल नहीं सकता है। मेरे साथ में ऐसा लगाव है, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं रहा। इस बार क्या लगता है, चांद जो है सूरज उगा देगा? चांद है, जनता उगाएगा, हम क्या उगाएंगे, मेरा पावर थोड़ा जनता का पावर है। आज जनता मूड बना चुकी है। अच्छा। जनता पूरे मूड बना चुकी है, इस बार बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव के मूड में हर जगह है, हमारा क्षेत्र और ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ पूरा ठगाया लोग, 1% कोई काम हुआ नहीं, कुछ भी हुआ ही नहीं। अच्छा। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से अपील करना चाहेंगे, और जितने भी है, मुखिया है, सरपंच है, समिति है,
अच्छे लोगों को चुना, अच्छे लोगों को चुना, अच्छे लोगों को चुना। जनता तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी है, कोई जात पात जाति धर्म को छोड़ के अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। ये इलेक्शन जो है 5 साल बाद होता है, ये पर्व 5 साल पर होता है, एक दिन का चूक से 5 साल हमको भुगतना पड़ता है। इतने जनता से अपील है कि जितने भी मुखिया सरपंच समिति जो भी है सब अच्छे लोगों को चुने, इससे विकास होगा, अच्छा माहौल बनेगा, यही हम कहेंगे। चलिए, तो कौन से छाप पे बटन दबाने कहेंगे? आटा चक्की तो बोलिए रहे, और कहाँ बोला, आटा चक्की मेरा है उसी को बोल रहे हैं। तो चलिए, इनका छाप आपने सुन लिया, और मुझे लगता है जिला परिषद के रूप में ये काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, और इनको अनुभव है पिछले 20 वर्षों का, और इनका क्या समीकरण होगा ये तो आपने इनके माध्यम से जान लिया, और ये पीछे नहीं हटने वाले में से लोग हैं, और इस बार अपनी जनता के साथ और अपने बलबूते ये इस बार टक्कर दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 21 नंबर काफ़ी टफ नंबर होता है, कॉम्पिटिटर कौन है, कौन रेस में है आपको पता है। तो हमारे भी चांद जी थे, और इनके जो जिनके लिए जो खड़ी हैं रुखसाना खातून जी, उनके नेतृत्व में ये लड़ रहे हैं, और इस बार चांद के बदला सूरज उगाना चाहते हैं जीत के बदले में। और कुछ हमारी जनता है, इनसे जाने कुछ बोलना चाह रहे थे उस समय, क्या कहना चाह रहे थे सर? मैं तो चांद के लिए आए हैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा। जैसे ही सुने कि चांद फिर इस मरतबा खड़ा हुआ, तो मैंने वेस्ट बंगाल से इनको वोट देने के लिए आए हैं, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट आवे। आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो इस क्षेत्र को ये चांद जो है सिखाया है झुझोर करने का, बजजबा को बढ़ाने का, कि और ये जो चंदेश्वरी मर गए कम्युनिस्ट पार्टी को, वो भी इनके उभ पीछे रहे, सब बार ये सिकंद रहा, और अभी तो बोलने के बाद बहुत सा इनके साथ बहुत बड़ा ऊपर से साजिश हो गई, 2 बार इसको हराया गया, साजिश कर टूटा हुआ बक्सा आया था जूटी कॉलेज में, 3 दिन का रोक दिया गया था सिर्फ साजिश करके इनको हराने के लिए, 2 बार तो इनको जीता हुआ। लेकिन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ये, आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट हम तो कर रहे हैं, पूरा दिल जान से है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पिछले साल लेटर बॉक्स छाप से मेरी पत्नी खड़ी थी, तो मैंने 3000 वोट लाया था, और इस बार मैं इनको 3000 मेरा वोट इनको सपोर्टिंग हो रहा है, और साथ ही साथ निर्मला ठाकुर जी भी खड़े थे पिछले साल, उनका वोट भी 3000 सपोर्ट हो रहा है। इसके साथ साथ पाँचों पंचायत में आज का नौजवान जो है इनके साथ है, इस बार परिवर्तन निश्चित हो के रहेगा। ये प्रत्याशी थे पूर्व में, और इनकी वोट बैंक 3000 है। अगर ये सेंध घुमा दे, ये समीकरण बदल दे, तो इस बार 21 नंबर काफ़ी टफ हो जाएगा। किन के लिए तो आपको पता है। चलिए, बहुत बहुत यहाँ कुछ एक दो और लोग थे, क्या बोल रहे थे भैया? सर, चांद भाई को पूरा वोट से जिताएंगे, 5 नंबर वार्ड बभनगामा, 5 नंबर वार्ड से पूरा वोटर देंगे, वोट आप वोट देंगे इनका, 5 नंबर से चक्की छाप में पूरा दिल जोन सब चाह रहे हैं वोट देंगे, और देंगे बेचारे हरदम पछड़ रहा है, मगर इतना बार खड़ा हो रहा है बेचारे, मरावड़ी बात देना है उनका हर हाल में, हर हाल में देना है।